आज हम कलाकंद इंस्टेंट कलाकंद बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने एक कप मावा लिया है, एक कप पनीर लिया है। ग्राम्स में 300 ग्राम से दोनों चीज़। मावे को हमने क्रम्बल कर लिया है। हमने इसकी मीडियम बिल्कुल फ्लेम में रखा है, मावा मेल्ट हो रहा है। अब हम इसके अंदर पनीर भी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर मावा भी डाल देंगे। अब इन दोनों को जब तक पकाएंगे, जब तक ये दोनों एक नहीं हो जाए, मावा और पनीर। इंस्टेंट कलाकंद जो है बहुत इजी है बनाने में, भी वक्त बहुत कम लगता है इसमें। तो थोड़ा सा और पकाना है, इसका कलर चेंज हो रहा है। हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें शक्कर डालेंगे। हमने एक कप से कम ली है शक्कर, वो भी पिसी हुई ली है। ठंडा होने पे हम इसमें शक्कर डालेंगे। गरम गरम में नहीं डालेंगे ताकि इसका पानी छूट जाएगा। थोड़ा ठंडा होगा तब हम डालेंगे। मावा हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर और शक्कर ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमने प्लेट में घी लगा लिया है। अब हम इसके अंदर निकालेंगे। अब हम इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे। अब हम इसको सेट करने के लिए फ्रीज में रखेंगे। 2 से 2.5 घंटे के अंदर सेट होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे। अब हम 2 से 2.5 घंटे बाद निकालेंगे फ्रीज में। देखिए 2 घंटे हो गए, हमारी अच्छे सेट हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप जैसे चाहे पीस काट लें, बड़े छोटे। ये हमारे कट लग गए। अब हम इसको प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारे तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें बताएं कैसा लगा आपको हमारी ये रेसिपी, और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।